हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है कि ब्लड को जब भी किसी हॉस्पिटल में अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को लगाया जाता है ट्रांसफ्यूज़न के लिए, उसे भर्ती किया जाता है, तब ब्लड को चढ़ाते समय क्यों कवर किया जाता है, कपड़े से उसको ढकते क्यों हैं? ये एक तरह का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अधिकतर ये सभी के माइंड में आता भी है। तो मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था, ब्लड से रिलेटेड था, जिसमें ब्लड को किस तरह पेशेंट को लगाते हैं इसके बारे में मैंने उस वीडियो में जानकारी दी थी। तो उसी वीडियो के पर्पस से आज मैंने ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उस वीडियो से रिलेटेड काफ़ी कमेंट आए हैं कि मेडिकल लाइन के अंदर जब ब्लड पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को लगाया जाता है, दिया जाता है, तो उसे कवर क्यों करते हैं, उसे ढकते क्यों हैं, इसके पीछे कोई कारण। कुछ लोग मजाक में ऐसे भी बोल देते हैं कि उसे नज़र लग जाएगी, ब्लड का कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए उसको कवर करते हैं, ढकते हैं। पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब भी हम किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट्स को, मरीज को ब्लड लगाते हैं या ब्लड के लिए भर्ती करते हैं, या ब्लड लगाते समय जब ब्लड लगा देते हैं, कम्प्लीटली ब्लड स्टार्ट कर देते हैं, तो उसे हमें कपड़े से कवर करना होता है। वो इसीलिए करते हैं, मेडिकल लाइन के हिसाब से जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो जब भी रोशनी के संपर्क में आते हैं या रोशनी के साथ में कनेक्ट होते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स जो है उसमें से डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसीलिए ब्लड को ढका जाता है। मेरी जानकारी आपको कैसी लगती है वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।